सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सब्सक्रिप्शन फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। हे हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल रन सिंपल। तो आपने आज जैसे ही थंबनेल पढ़ लिया होगा और टाइटल में देख लिया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पबजी में जो गन्स हैं और उनकी जो रियल प्राइस और कुछ उसके बारे में फैक्ट्स। तो इस वीडियो में आप आगे तक बने रहिए। एंड में आपको मैंने कुछ एक अच्छी चीज़ भी बताई है, वो आप देखना, तो एंड तक देखना, बिना स्किप करिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं सिर्फ AR ही कवर करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो मैं आगे वाले पार्ट्स भी बनाता फ्रेंड्स। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को अब तक नहीं करा है तो। तो इस वीडियो को बिना किसी देखिए चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंटरव्यू। जो पहली गन है फ्रेंड्स वो है AKM, इसे सोवियत संघ ने 1959 में पेश किया गया। इसको मिखाइल कलाशिकोवा द्वारा डिज़ाइन किया गया, जो कि एक सेना के अधिकारी थे। इसका वजन करीब 350 किलो है। यह एक मिनट में 600 से 700 राउंड फायर कर सकती है। इसका इस्तेमाल युद्धों में ही किया जाता है, सुरक्षा बलों द्वारा इसका इस्तेमाल आम लोग नहीं करते। इसका मूल्य लगभग 2,55,000 के आसपास का है। सो फ्रेंड्स, सेकेंड गन है हमारी M416। इसका असली नाम जो है वो HK416 है। इसका जन्म स्थान जो है वो जर्मनी है। इसको उत्पादक कंपनी जो है वो हैकलर एंड कोच है। इसका जो वजन है वो करीब 3 से 4 किलोग्राम तक का है। यह एक मिनट में 700 से 900 राउंड फायर कर सकती है। इसका भी इस्तेमाल सेना और सुरक्षा बल ही करते हैं, ये आम व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल नहीं करी जाती। और इसके बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसे अमेरिका द्वारा ओसामा बिन लादेन को मारने में किया गया था। इसका मूल्य लगभग से 248 लाख रुपीस के का है। सो फ्रेंड्स, जो अगली गन है वो है AUG A3। इसका असली नाम जो वो है स्टेयर AUG। ये ऑस्ट्रेलिया इसका उत्पादक देश है। इसे 1970 में स्टेयर मैने लीचर नाम की कंपनी ने बनाया था। इसका वजन करीब 3.5 किलोग्राम है। यह एक मिनट में लगभग 650 से 750 तक राउंड फायर कर सकती है। इसका मूल्य इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके मैं बताऊं डायरेक्ट तो करीब 2.5 लाख का है। और इसके बारे में मैं एक चीज़ और बताऊं कि ये एक पुलअप गन है, असॉल्ट राइफल्स है। पुलअप का मीन्स आप पूछेंगे तो पुलअप का मीन्स आप नेट पे सर्च मार सकते हैं, नहीं तो मैं बताता हूं थोड़ा सा कि इसमें ये ऐसी मैकेनिज्म है कि अगर इसको इसमें से कुछ चीज़ें हटा दिया जाए तो ये जैसी हमारी यूजी होती है उस साइज़ की हो जाएगी, तो हम इसे क्लोज बैटल कॉम्बैट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो चौथी गन है वो है स्कारल। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। इसका जो जन्म स्थान है वो है बेल्जियम। इसे 2004 में FN हेशल द्वारा बनाया गया था। इसका वजन जो है वो करीब 3 किलोग्राम का है। ये एक मिनट में 600 से 700 राउंड फायर कर सकती है। ये स्टेबल मानी जाती है, इसलिए इसे स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। इसका मूल्य लगभग 2,72,000 रुपये के आसपास का है। सो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में पांचवी और आखिरी जगह है वो है क्रूज़। इसका क्रूज़ा का जो असली नाम है वो है OTS-14 क्रूज़ा। इसका जो जन्म स्थान है वो है रूस। इसे 1994 में बनाया गया था। इसे VN तैलेश और YV लैबदेव ने डिजाइन किया था। इसका वजन करीब 2.7 किलोग्राम के आसपास है। ये एक मिनट में करीब 700 से 750 राउंड फायर कर सकती है। और इसका जो मूल्य निकल के आया है फाइनली, बहुत अलग अलग मूल्य हैं फ्रेंड्स,
निकल के आया वो है करीब 2,48,000 रुपये। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको चैनल सही लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी क्या बात है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।